বেদাগ বেদাগ কতনি কি এমে দাগি বা সবে তো সাফে ই লউয়া ডরে নাকি বতাও কি কে দাগি বা সবে তো সাফে না না রউয়া ডরে নাকি বতাও কি কাল আপনা গাবে না যায় আ বিএ বিকম বিএসসি অর এমএ এমকম করে বিশ্ব কি সবসে বড়ি ইউনিভার্সিটি ইগনু সে সোল্ড অ্যাসাইনমেন্ট অর গাইড বুকস প্রাপ্ত করে সম্পর্ক করে মহাকাল কম্পিউটার্স ডিএভি কলেজ গেট কে সামনে সিবান। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर एम एस अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। प्रणाम गुलाटनी। कसमाकस बढ़ गया बा विधान पार्षद के चुनाव के लेके, आज से नामांकन भी विगत दो दिन से होता। खैर, हमारे साथे बनी अशोक सिंह जी, कांग्रेस के प्रत्याशी। सबसे पहले यहाँ के राय लिया कि कल कांग्रेस के स्थिति जो बुरा रहुए उत्तर प्रदेश में, ओकरा बाद यहाँ के बिहार में सफलता के मिली। पहले तो रउआ मैच बॉक्स के बहुत बहुत धन्यवाद आ बहुत बहुत धन्यवाद आ जौन काल जौन स्थिति रहुए वो कांग्रेस पार्टी के मन खराब रहुए, लेकिन ये जौन चुनाव हो ना प्रधानमंत्री बनावे के बा आ ना मुख्यमंत्री बनावे के बा, ये नीतीश बाबू के ना चुनाव होता आ ना मोदी जी के चुनाव होता है। ये चुनाव नीतीशे बाबू खानी आप उकरे खानी साफ सुथरा छवि के लोग के चुनी लो आ नीतीश बाबू के जौन छवि बा कि भाई सुशासन बाबू आ बढ़िया छवि बा जौन की क्राइम कंट्रोल करे के प्रयास कर लौन ओकरा में हम खड़ा उतरतनी। आ ये पार्टी विशेष के चुनाव ना हो, जितना जन प्रतिनिधि बा रहन वो केहुए ना भाजपा के वोट पर जीत गए बा, ना कांग्रेस के वोट पर जीत गए बा, ना राजद के वोट पर जीत गए बा, सब के हुए अपना छवि पर अपना चेहरा पर। आज एनडीए जब से एनडीए के कैंडिडेट के अनाउंसमेंट भइल बा, नाम सामने आइल बा मनोज सिंह जी के, तो सारा पार्टी में हलचल मच गई बा। हलचल ये बात के मचल बा आ कि भाई वहाँ के मैंने लोजपा में रहनी भाजपा में आइल बनी आ भाजपा में वहाँ के बान मैंने चुनाव लड़ता नहीं आ ऐसे कोनो अंतर हमनी के ना पड़ी, काहे कि हमनी के जौन छवि बा अपना छवि पर वोट मांगेम सन आ वोट मिली आ चुनाव जीतेम सन, ये पक्का जीतेम सन। लड़ाई में अपना भी कहाँ देखे तनी ऐसे कि देखी बड़ा लड़ाई पीछे जा जाता। ये लड़ाई में हम मैंने हमारा से लड़ाई लड़े खातिर केहुए के भी हमारा कहीं होके पड़ी नो साफ छवि के जो आदमी हुई वही हमारा से लड़ सके। साफ छवि जयसवाल जी बानी, साफ छवि मनोज सिंह जी बानी, कई लोग साफ छवि बाबे मेनका रमर जी साफ छवि बानी। अब एगो बात बा, अगर रउआ मीडिया वाला हो के कहते हैं साफ छवि बाबे एक के मतलब बुझा गल कि रउआ का कहते नहीं, रउआ से अधिका के जानता आ रउआ काहे कहते नहीं हम जानते नहीं कि काहे साफ छवि कह रहा बनी। आ विनोद जायसवाल जी के बात कनिया वहाँ के तब शराब माफिया के नाम से जानल जाता, लोग कहते कि शराब माफिया है तो वहाँ के लड़ाई उड़ाई में नहीं की। वहाँ के 30 तारीख के नो देखेम कि बोरिया भी बड़ा अरे भाई बढ़िया सुन ली ना, 30 तारीख के दिन अपन डंडा बंडा झंडा लेके वहाँ के कलकत्ता चल जाए, ई रउआ जरूर देखेम। आ एक तारीख से वहाँ के दिखाई ना देम, कहे कि वहाँ के स्थिति लड़ाई में होले नहीं की तो वहाँ के का कहल जाए। बात विनोद जायसवाल जी के बहुत कैंडिडेट बा, बहुत कैंडिडेट के बाद बताओ जता लड़ाई का हम आ गई बा, सब कुछ हो गई बा, अपने स्वच्छ छवि के दावा भी करता नहीं, सब चीज अच्छा लगता, लेकिन गुणागणित के चुनाव हो अभी गुणागणित शुरू नहीं किया भाई, गुणागणित में कमजोर बनी। अच्छा एगो बात बताई, किसान के बेटा हैं हम, किसान के गुणागणित आवेलन एकदम शरीफ होला सीधा होला। आ एगो बात और जान ला उधर भी एमएलसी में सब ना ना एगो बात सुन ले, जब उनको लोग बुझाता उनको लोग से पैसा जरूर ली हमू कहते को लेबे करी आ लेबहू के चाही, लेकिन वोटवा अपना भाई अशोक सिंह के दी, काहे कि ओकरा बुझत आवे कि हमार भाई हवन हमार बेटा हवन आ हमारा साथे रही हन कंधा में कंधा मिला के चली हन, उनकरा से बात करे में कोनो काम करावे में कोनो प्रकार के दिक्कत नहीं खे। एक तरफ कहल जाओ तो एनडीए में वैसे एनडीए जनक भाजपा घटक दल बा में बड़ा बड़ा नेता लोग लागिल बा मनोज सिंह जी के तरफ से, दूसरा तरफ आरजेडी के पूरा खेमा लागिल बा जायसवाल जी के तरफ से, कांग्रेस के कोनो खेमा लौकत लेके कांग्रेस अकेले लौकत या बेसहारा बेचारा अवस्था में लौकत। एक बात सुनल जाओ, जेके छवि ही सुंदर होके बढ़िया होके
ओकरा पीछे के जरूरत का बा आ जे माने उ हई होला कि जेकरा भाई नौ गो दाग होके बेदाग छवि के बेदाग बेदाग कहतनी के में दागी बा सबे तो साफ है रउवा डरे नहीं कि बताओ कि के दागी बा सबे तो साफ ना ना रउवा डरे नहीं कि बताओ कि कल अपना गावे ना जाए यही से नहीं कि बताओ सबे साफ सुथरा आदमी साफ सुथरा रउवा यही जे कहतनी कि रउवा डरे ना जाए मगर कह देम तब तो गावे ना पहुंचे ना ना अगर दागी लोग रहे तो चुनाव तो ना लड़ी काहे ना लड़ी अरे एक बार सुशासन बाबू की सरकार ह लेकिन ऐसा संविधान में बावे आ कि दागी ही चुनौत पर लड़त आवे ओकरा खातिर हम संविधान संशोधन करे के हमारा औकात नहीं हां माने रे बाबू याद है कि दागी वाले चुनाव लड़त ई रहुआ जन नहीं की का के नहीं के जानत रुआ नहीं की जानत रुआ कहत नहीं की नामांकन कौन दिनांक के बन बराबर नामांकन 14 तारीख के बावे हम अपना घर से बाबा हरि राम के दर्शन करते हुए माने सिवान समारोह में कहिया से पूजा पाठ करे लगा महाराज लोग बोले तो टोपी पहनत नहीं है कांग्रेस पार्टी को टोपी पहन अरे हम हिंदू हई 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 राजपूत के बेटा हई भगवान रामचंद्र जी हमरे खानदान के रानी आ हमनी के ब्राह्मण के सेवा करे के माने आजीवन बाकी माने ब्राह्मण के हमनी के सेवा करने सन आ हमरा से हिंदू के अधिकार हो बताओ ना के हिंदू बाबू की जब माने हम हिंदू ना हम पूजा करे का माना अधिकार नहीं के कांग्रेस के बाद छोड़ी ना पहले हम हिंदू ओकरा बाद पार्टी अच्छा ऐसे और पूजा पाठ के साथ शुरुआत हुई हाँ हाँ और ये बात सुन ली जन प्रतिनिधि जितना जीतल बालू उनका लोग खाती हम एगो मांग करे आ कि भाई तोहन लोग 500-500 रुपया मिलत है तनख्वाह जन 500-500 रुपया बावे रहुआ वही वार्ड मेंबर के अंडर में 3,000-3,000 रुपया सफाई कर्मचारी के मिलता आ उकरा मिलता वे 500-500 रुपया आ वो 500-500 में हम मांग करें कि कम से कम सफाईयो कर्मचारी बराबर दे दलो आ उकरा खाती आ उकरा बाद से उनको लोग पेंशन के भी मांग करें कहे कि जितना जनप्रतिनिधि बरन जितना जनप्रतिनिधि जीता तरन वो दिने से नेता हो गइलन आ जब वो नेता हो गइलन आ चुनाव अगर जीतस बा हारस लेकिन उनका घर परमानेंट आजीवन उनका चाय पियाव के बाबे तो आजीवन पेंशनवा रही तो चाय तो पिया सके लोनु ना तो मने हम एक खातिर मांग करे पेंशन के मांग करे पेंशन के मांग उठे लागल हाँ ना ना हम उठाए ओकरा खातिर लड़े आ मने जितना विधायक 2400 जीत के जइहन उनकरा कोनो पार्टी के होके भाजपा होके कांग्रेस होके राजद होके ओमे कोनो पार्टी ने के पार्टी के जीत के निकल जात आई बात जान ली आ सब के वैसे राय करके सब के वैसे राय करके हम भाई कहम कि हड़ताल हमने के विधानसभा के अंदर कर जाओ आ वहाँ लोग के बुलाए विधानसभा के बाहर घेराव कर जाइ अंदरों हमने के रहम सन सथो रहम सन जब तक ले पेंशन ना मिली तब तक ले धरना प्रदर्शन हमने के जारी रहे लेकिन कुछ जनप्रतिनिधि बालो जे कुछ एमएलसी कैंडिडेट बालो जे कहत कि अगर कोनो घटना भी दुर्घटना होते तो 50,000 रुपया नगद मिली अच्छा एक बात बताई जानकारी के अभाव है जब भी घटना दुर्घटना होला तो सरकार 4,00,000 रुपया दे ले जन के हुए के जनप्रतिनिधि के ना आम जनता के एक्सीडेंटल मौत दो जन होला कांग्रेस तो आपदा के राशि दिवावे के चाहे ले तो वो आपदा दिवाई लो काहे के पेंशन पेंशन दिवाई ना ना उ पेंशन तो दूसर बात हो पेंशन तो मजबूरी बा भगवान ना करत कि केवे के आपदा के राशि मिल लेकिन आपदा के जौन राशि बा तौन तो शंकर दुबे हमार विधायक माझी रहनी तो 500 लोग के 4,00,000 रुपया 5 साल के कार्यक्रम में कालकाल में दियोनी और सारण प्रमंडल के हम बात करते हैं और केवे के बुझाला ना तो इसे दिवा ना पावेला कांग्रेसी है सारण प्रमंडल में एगो कांग्रेसी विधायक बेशंकर बाबा अबे शंकर बाबा के सब जगह साथे रहने की लोगत का बात बा बे शंकर बाबा साथ ही रहनी उहा के माने हमनी के महाराजगंज में अगला शनिवार के मिलन निशन आ ओकरा बाद से विधानसभा चलत अबे काल फेन उहा के आ जाए आ काल से माने दू दिन रहे ओकरा बाद से फेन उहा के जे वोटर ओकरा से का अपील करब हमरा नामांकन के लेके नामांकन में ये कहम कि हमार भाई लोग जेंगा से रउआ लोग बानी वहीं हमो बानी अपना साइकिल से मोटरसाइकिल से गाड़ी से सब के हुए हमरा सब लोग कहे जे महाराज रो खातिर लिफाफा देबे ने करम तो अच्छा एगो बात बताई काहे ना जाई उ लिफाफा तो ले ले लेबा लोग से नो
वही लिफाफा के पैसा से तेलवा भरवा के जाइ हमरा में काहे कि उनके भाई हैं बेटा हैं आ खातिर मैंने जाइ हमारे साथे काहे कि अपना भाई बेटा के जितावे खातिर वो कुछ कर दी किसान के बेटा के जितावे खातिर कुछ करी व्यापारी के बेटा ना आके बिजनेस जब फायदा लौकी तबे साथे जाइ किसान फायदा घाटा ना देखेला वो अपना जनप्रतिनिधि से यह आग्रह करम कि अपना बेटा के चुनी आ अपना भाई के चुनी सच्चा चुनी अच्छा चुनी जय हिंद जय भारत बहुत बढ़िया लगा। चलिए एक चुनी ने एक चुनी लगातार हम कहें नहीं एक चुनी ने एक चुनी अच्छा को नहीं सच्चा चुनी बात लिफाफा के बात हम बता दी कि हम खुद जनप्रतिनिधि हैं विदेशी हैं लिफाफा पहुँचता हमरो लगे लिफाफा के अंदर के अमाउंट उतने बाद जितना कि आदमी दिन भर की एक कप चाय नहीं पी सकत लिफाफा 6 साल खातिर मिलता और लिफाफा के अंदर बाद 7 से 8 हज़ार रुपया रहता 72 महीने के लोग के कार्यकाल बा यानी 3 रुपया 33 पैसा या 30 पैसा एक दिन के पड़ता तो ईमान अगर हो तो 3 रुपया के अगर औकात बा महीनवा दिन अगर या रोज की 3 रुपया का औकात बा तब रुआ साथे जाए लिफाफा के नैखे औकात 3 रुपया ज़्यादा के बा तो अच्छा के साथ जाए सच्चा के साथ जाए आ एगो चुनी एक चुनी या नेक चुनी लिफाफा के चक्कर में मत फंसी बढ़ार वीडियो देखते नहीं मैच बॉक्स पर देखते रही मैच बॉक्स।